फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट विच लॉजिक गेट। तो क्या दिया, देखो यहाँ पर 0 0 के लिए आउटपुट 1 है, 1 0 के लिए 1 है, 0 1 के लिए 1 है, 1 1 के लिए 0 है। मतलब दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। तो ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है? NAND गेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।